अपने सहुरे ते बलात्कार का मामला दर्ज करवा के जेल भजवाउण वाली गर्भवती महिला उत्ते उसके पति ने मामला वापस लैण नूं लै के हमला करदे होए कीता जख्मी। पीड़ित सरकारी हस्पताल च जेरे इलाज। मामला बटाला दे मुरगी महल्ले दा है जिथे गर्भवती औरत दे पति ने उसकी मारटाई की अते उस उपर दबाव पाया कि उसके पिता उपर दर्ज करवाया मामला वापस लवे। इस संबंधी गर्भवती औरत हरप्रीत ने दसिया कि वह 5 महीने की गर्भवती है ते बीती देर रात उसका पति घर आया ते उसनू छत ते ले जा के उसकी मार कुटाई करन लगा ते उसके गले विच रस्सी पा के उसकी मार कुटाई की। गर्भवती औरत ने दसिया कि मेरे पति का पिता मेरा सहुरा मेरे नाल कई साल बलात्कार करता रहा सी। मैं उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा के उसनू जेल भिजवा दिता। मेरा पति मेरे ते दबाव बना रहा है कि उसके पिता का केस वापस लवा जिस करके वह अक्सर मेरे नाल मार कुटाई करता है। हरप्रीत की बेटी ने भी कहा कि रात पापा आए सी ते उन्हां ने मां नूं बहुत मारिया। गर्भवती जख्मी महिला का इलाज कर रही सरकारी हस्पताल की डॉक्टर स्वाति ने कहा कि यह औरत गर्भवती है अते इसके पति ने इस नाल मार कुटाई की है। असी इसका इलाज कर रहे हैं अते पुलिस नूं भी इस संबंधी सूचित कर दिता गया है। मेरा नाम हरप्रीत सर, मुर्गी मल्ले फाटक लागे। मेरे 11 साल हो गए मैरिज नो सर। 11 साल तो मतलब सहुरा मेरा छेड़खानी करता सीगा मेरे नाल। तो मैं हसबैंड नूं कहंदी सी तो मतलब हुण शुरू तो इदा कर मैं की कहां पापा नूं, मैं की कहां। शुरू तो इदा करता रहा सर। हौली हौली 7 सालों बाद सर मैं रेप करना शुरू कर दिता। गलत काम करता रहा, घर वाला कुछ नहीं कहता। जो मैं कोई गल करती हाँ मैं कोई स्टैप चुका सर मेरा पैर भी सारे साड़ दिता ना। बहुत बार सर घरों भी कढ़िया ना। मेरे पापा ने घर बना के दिता है। एक इन्हों गड्डी लैके दी है 6 लाख की सर। वो गड्डी ये नाम करा दिती है। तो सर ये हटिया नहीं मुड़ता नहीं सर। ये मैं वीडियो बनाई ये मैं अपने सहुरे की रेप कर दे रही सर। सर उस तो बाद उत्थे इन्हें समझौता कर लिया। रिश्तेदारी कह के समझौता कर लिया। उस तो बाद इन्हें कि चलो गलती हो गई इन्हें माफ़ी भी मंगी। माफ़ीनामा भी है साढ़े को। उस तो बाद सर ने मेरी 12 साल की बेटी उत्ते हाथ पाया। मैं रंगेती पढ़ लिया। मेरे सहुरे ने मतलब गलत हरकत कर लगा सीगा बेटी ने इदा कर लगा। फिर मैं थाने आके उत्ते वड्डी मैडम को पेश हुई। सर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया सीगा। हुण घर वाला टॉर्चर करता रोज़ सर घर आउंदा नहीं हैगा। 5 महीने हो गए कोई खर्चा नहीं कोई कुछ नहीं सर। बच्चे आ बच्चों भी नहीं सर स्कूले पाया कुछ भी नहीं सर। मारदा बो पे रमीना सर। उस दिन भी यही गल हुई सी घर आता सर बेरहमीना मार के चला जाता। सारे मेरे पट पुट सारे छेल दिते आ। लत्तों तक मारिया मेरे बूट शूज के ना डंडिया ना। प्रैगनेंट सर 5 मंथ चलता पाया मेरा। राती सर घर आया मैं लेटी हुई सी। रोटी रोटी खा के 10 बजे लेट गई सी सर। सर ने बुआ खड़काया तो मैं पूछी कि कौन है। 2 बजे का टाइम से क्योंकि मैं तेरे गल करनी है। मैं तू इत मैं दस दे मेरे फादर मेरे को रेंदी है। मेरे पापा उत्थे गए पिंड उन्होंने काम से श्री अग पिंड पर थोड़ा जहा उत्ते गए थे। तो कुछ राशन भी घर मुक गया से वह भी गए लैन गए से अपने ब्रदर को। सर इन्हें वेख्या कि मैं पता लग गया घर कोई भी नहीं है। सर ही आया राती 2 बजे। मैं कहना कि तेन मेरे तो यकीन नहीं। बुआ खोल बुआ खोलिया सर इन्हें कुंडा लाता तो अंदर ना आवे। कहते तू कैमरा लगाया अंदर मैं नहीं आना। कोठे आके मेरी गल सुन ला। फिर मैं कोठे चली गई तो बाद इन्हें मेरे पैंती सट्टे पहले फोन खोलिया। कहते कि रिकॉर्डिंग दे लै। मैं नहीं इन्हें फोन स्विच ऑफ करके नीचे मारे सारा फोन तोड़ दिता सर। उस तो बाद सर इन्हें रस्सी लै के मेरा गला ना बड़ी होर कि नप दिता सर। शूज़ मेरे मूँह उत्ते रख के गला नप दिता सर मेरा। मुंडे ने मेरी बच्ची है माँ जी गुड़िया वड्डी मेरी ये मेरी गुड़िया ने आवाज़ सुनी मेरी फटाफट भज के कोठे से गई सर। इन्हें वेख्या इन्हू फड़न लगा सीगा। मैं वो लत्त फड़ ली भज के साढ़े लागे गुआढ़ी है पीतू होनी सर। उन्होंने कोल जाके इन्होंने बच्चिया ने कहा कि मेरी मम्मा ने मार दिता सर। वो आए यदि सारी फैमिली बाहर खड़ी हुई सी कि मेरे मेरे सहुरे परिवार की सारी फैमिली बाहर झाड़ियाँ के लागे खड़ी सी। प्लैनिंग सर इन्हों की मेरी मार मैं मारन की सर। सर उस तो बाद इन्होंने आवाज़ दे के वह भज गया बस। मेरे पापा ने गड्डी लैके दी छोटा हाथी फ्रूट वास्ते मेरे वास्ते लैके हूँ कमाई करके उन्होंने देता सर। मेरे ना नहीं रह रहा सर।
ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਇਸ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਆਏ ਸੀ ਗੇਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਤਾ, ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਤੀ ਜਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ, ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕਰ ਲਾ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਪਾਪਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਫਰਿੱਜ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਕੋਠੇ ਆ ਗਾ ਸੁਣ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਮਾ ਕੋਠੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਹਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਠੇ ਬੜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਦੱਬੇ ਪੈਰੇ ਕੋਠੇ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾ ਮੰਮਾ ਦੀ ਨਾ ਗਲੇ 'ਤੇ ਰੱਸੀ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਗਲਾ ਦੱਬ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਦੱਬ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੈਣ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਲਾਗੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ 5 ਮੰਥਸ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, 5 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਮ ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਹਮਨੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਕੋ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੇ ਔਰ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਇਨਕੋ।